यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग इधर फिलहाल ट्रैफिक के काम कर रहे हैं। क्योंकि रास्ता घाट में जाम जोट क्लाउड बेसी हो रही है, अभी पुलिस ने नामी है, इसीलिए हम लोग स्टूडेंट लोग अभी फिलहाल काम कर रहे हैं इधर पर ही। कितने स्टूडेंट्स हैं? हम लोग लगभग 50 के ऊपर स्टूडेंट्स हैं। ये रोड तो काफी बड़ा है ना, इधर कुछ उधर कुछ उधर कुछ, लगभग 50 से भी ऊपर स्टूडेंट्स हैं हम लोग। ये दरअसल हुआ क्यों और आप लोग, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या पुलिस आएगी? जी जी, आने वाले समय में पुलिस आएगी, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई लिखाई भी है, हम लोग तो इतना कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। अभी फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद है, नया सरकार बैठी है, सरकार सब कुछ करेगी, पुलिस नामेगी, पुलिस लोग का भी दावा है कि उन लोग का भी कुछ बात माने, उन लोग का भी ड्यूटी है, जो उन लोग का टाइम थोड़ा कमाया जाए, ड्यूटी थोड़ा कमाया जाए, उन लोग का दावा है ये वाला। तो अभी फिलहाल देश चलाने के लिए हम लोग ही है। आपको लगता है कि जो आंदोलन हुआ जी सही था? 100% सही था, 100% सही था वो आंदोलन, क्योंकि हम लोग स्वाधीन भाषा नहीं पाते, हम लोग अपना अपना अपने से कुछ नहीं कर पाते थे, उनका अमल में सब कुछ उनका मर्जी से चलता था, हम लोग का कोई बात नहीं चलता था। तो ऐसे सब कोई मिल के हम लोग आंदोलन किए, जो हम लोग अपना मर्जी से चलेंगे सब कुछ सही रहेगा, उनका तो नहीं चलेगा, सबका तो चलेगा, यही से हम लोग आंदोलन किए। आपको लगता है कि अभी जो सरकार है वो इलेक्शन में जाए और फिर इलेक्शन में चुन कर आए, इलेक्शन होना चाहिए? जी जी, इंशाल्लाह इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेंगे ना, नया नया सरकार आएंगे, फिर बातें होंगे, फिर मसला बड़ा होगा, ये सब नहीं, एक सरकार रहेगा अच्छा रहेगा, सबका बात सुनेगा, सब कुछ सॉल्व कर देगा, वो सही है। फिर तो आपको लगता है कि और कितने दिन आप लोग ये काम करेंगे? मुझे लगता है फिलहाल तो एक महीना तकरीबन लगेगा सही होने में, एक दिन में तो ये तो छोटा सा मसला नहीं है, सही हो जाएगा, जितना जल्दी संभव है सब सही हो जाएगा। आपका नाम क्या है और आप करते क्या है? हम स्टूडेंट है, हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेरा नाम है बशीर फारूकी अब्तही, मेरा घर यही बगल में है, तो हम लोग गोनो भवन के सामने है, इधर पर ही ट्रैफिक का काम करते हैं। ये पार्लियामेंट है जी, और यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होता है जी। आपके दोस्त यार आपके साथ कॉलेज के हैं? जी सारे 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 हम लोग कॉलेज के, एक साथ एक कॉलेज के। आप सुना आएगी इभा? আমরা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে স্টুডেন্টরা হচ্ছে আমরা সকাল বিকাল একদম সকাল 8টা থেকে শুরু করে রাত 10টা 10:30 পর্যন্ত আমরা ট্রাফিকের মানে যে ডিসিপ্লিনটা আমরা এটা দেখছি, প্লাস কোনো সরকারি কোনো কোনো কিছু যেন ক্ষয়ক্ষতি না হয় এই বিষয়গুলো আমরা খেয়াল রাখছি, আর সমস্ত কিছু আমরা আসলে এছাড়া আমরা রাস্তা ট্রাফিক ছাড়াও হচ্ছে অন্যান্য যে প্রশাসনিক যে কাজগুলো, যেমন মাদক দ্রব্য আমরা দেখাশোনা, যেমন মাদক যারা মাদক দ্রব্য বিক্রয় করছে তাদেরকে ধরা ট্রাই করছে, এবং সেনাবাহিনীর হাতে আমরা তাদেরকে হস্তান্তর করার চেষ্টা করছি। আমরা আসলে এখন এটা বলা যাচ্ছে না কতদিন করব, তবে যতদিন পর্যন্ত সবকিছু সুশৃঙ্খল ভাবে না হবে, কমপ্লিট না হবে, ততক্ষণ দিন আমরা পর্যন্ত আছি। কারণ আমি যদি আমার দেশের জন্য কিছু একটা করতে পারি সেটা আমার হ্যাপিনেস, এটা আমার ভালো লাগবে, কারণ আমরা দেশটাকে দ্বিতীয়বারের মতো আবার স্বাধীন করলাম, তো দেশটাকে স্বাধীন করছি কাদের জন্য? আমাদের জন্য। আমরা যদি এটাকে সুশৃঙ্খল ভাবে যদি না রাখতে পারি তাহলে কোনো লাভ নেই, এই স্বাধীনতার কোনো মূল্য নাই। আমরা স্বাধীনতার জন্য এত কিছু করছি, আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে অনেক ভাই বোনরাই কিন্তু আত্মত্যাগ করছে, জীবনটা দিয়ে দিছে, তো সেই ক্ষেত্রে তো আমাদের আমাদের দেশটাকে আমাদেরই বাঁচাইতে হবে, কারণ যে মানুষটা ছিল এতদিন ছিল 15 বছর কি 17 বছর মতো ছিল, সে কিন্তু এত মানে আমাদের চোখের আড়ালে আমাদের মনের আড়ালে অনেক কিছুই কিন্তু ঘটে গেছে, সে পদত্যাগ করার পরে কিন্তু সবকিছু মানে খোলাখুলি ভাবে চলে আসছে, আমরা কিন্তু এখন এটা দেখতে পাচ্ছি, তো এমন কিছু যেন আর না হয় ভবিষ্যতে, যেন আমাদের বাংলাদেশটাকে আমরা অন্যান্য কান্ট্রিতে যেন ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি সেটার জন্য আমরা কাজ করছি। আপনি কি পড়াই করেন? সরি, হোয়াটস ইউর স্টাডি এন্ড ওয়্যার? আমি ডেন্টিস্ট, পাশাপাশি আমি হচ্ছে তেজগাঁও কলেজে পড়ছি বিএ।